गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। देखिए आज जा रहे हैं हम निमोना बनाने। लहसुन की पत्ती, हरी धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, मटर। पहले मटर थोड़ा दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं। ये देखिए दरदरा पीस लिए इसको। इसके बाद ये सारे मसाले जो अब लहसुन की पत्ती है, धनिया है, मिर्चा है, टमाटर है, सब एक साथ हम पीस लेंगे। बहुत लोग काट के डालते हैं, हम काट के डालेंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, इसीलिए पीस ले रहे हैं। इसमें जीरा डालना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जीरा से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप कभी मेरे तरीके से निमोना बना के देखिए। अब इसको हम पीस लें फटाफट। लो ये हो गया। आलू काट ले रहे हैं फटाफट। सारी तैयारियां कर लें फिर जाएं हम नहाने। यहाँ हम नहा के भी आ गए, बार और धुल लिए हैं। अच्छा संडे। नहा धो के अब थोड़ा, अब तो चेहरा आइली ही रखना पड़ता है, क्योंकि अब ठंडक आ गई है, बहुत रूखापन रहता है। अब जा रहे हैं इसके बाद अगरबत्ती करने, फिर खाना बनाने जाएंगे। आ गए हम किचन में, यहाँ गैस जला के अब हम जा रहे हैं निमोना बनाने। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी और मसाला बहुत हल्का डालते हैं, इससे जो है इसमें बहुत मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको हम ढक के रख देंगे, थोड़ी देर फूल जाएगा, फूलने से मसाले बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको हम ढक के उधर रख देंगे। इसमें हम तड़के में क्या डालेंगे, मेथी और हींग, जिसको बहुत लोग गांधी कहते हैं, बहुत लोग हींग कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए, बहुत लोग सबसे पहले निमोना भूनते हैं, वैसे हम निमोना नहीं भूनते हैं। आप मेरे तरीके से बनाइएगा और फिर हमको बताइएगा कमेंट में कि निमोना कैसा बना है। सबसे पहले हम आलू भूनेंगे। आलू हम कब तक भूनेंगे, जब तक एकदम लाल ना हो जाए। आलू अच्छे से लाल हो जाएगा, पर रेड रेड क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है, उसके बाद इसमें हम निमोना डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, और जब आलू अच्छे से भूना रहता है तो सोनापन निमोने में खुद मटर वाले में आ जाता है, जो पीस के डालते हैं। इसके बाद हम मसाला जो है इसमें डालेंगे, ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं भूनेंगे। उसके बाद
ये सब धुल के इसमें हम पानी डाल देंगे। सब डाल के नमक उमक डाल के ढक के और पकाएंगे। आलू अच्छे से पक जाए बच्चों के लिए चावल भूना था मटर डाल के। ये देखिए आलू पक गया, हमारा निमोना देखिए कैसा। ये देखिए निमोना चावल रोटी, आइए आप भी लंच कर लीजिए। यहाँ पपीता रखा था, ख़राब हो रहा था, काफ़ी दिन से रखा था, इसका हम बनाएंगे हलवा। पता नहीं आप लोग कभी खाए हैं कि नहीं खाए हैं पपीते का हलवा। इसको हम काट के अच्छे से छील लेंगे, इसको हम बॉयल करेंगे धुल के कुकर में 2 सीटी आने तक। इसको अच्छे से धुल के इसमें हम पानी बहुत ज़रा सा डालेंगे, जो चाय वाली गिलास नहीं होती उसे छोटी आधी गिलास, इसको हम रख देंगे। 2 सीटी बाद हम इसको खाली कर लेंगे। ये देखिए हम घी और जीरा तड़का दे के उसके बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मलाई थोड़ी सी रखी थी, इसको हम डाल दे रहे हैं। इसमें दूध डालेंगे, हलवा बनाते समय पपीते का जीरा का तड़का ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे तो व्रत में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जीरा व्रत में भी खाते हैं। चीनी डाल देंगे, फ्रूट भी हो तो फ्रूट भी डाल दें, हम नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। ये देखिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।